खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भिंड पुलिस ने अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की है, जहां पुरानी रंजिश के चलते बाजार में फायरिंग हो गई है। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। थाना प्रभारी लहार निरीक्षक रविंद्र शर्मा ने बताया कि घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन कर रवाना किया गया। उक्त टीम ने घटना के चंद घंटों बाद ही दो आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अर्षित यादव जी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव पाठक जी तथा SDOP लहार श्री त्रिपाठी जी के निर्देशन में थाना लहार पुलिस द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटनाक्रम इस प्रकार था, कल LIC ऑफिस के सामने संगम बरुआ शिवम बरुआ की मारपीट की थी चार लड़कों ने, साथ में हवाई फायर भी किए थे इनके ऊपर। इस पर से थाना लहार में अपराध क्रमांक 111/24 द्वारा 308 323 294 506 34 का दर्ज किया गया था। तत्काल एक टीम बना के आरोपियों की घेराबंदी करके दो आरोपी मौके से पकड़ लिए गए थे। इनके कब्जे से एक 315 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा राउंड, एक चला हुआ कारतूस मिला है, साथ में एक ऑल्टो कार मिली है। दो आरोपी मौके से फरार हो गए थे, इन्हें अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जा रहा है।